हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के 2024 के एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बार जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, तो क्लास 10 और क्लास 12, तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर जो है डेवलपमेंट किया गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन यह है कि इस बार आपका जो क्वेश्चन है उसके पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। जो एमसीक्यूज़ हैं उसके अंदर भी बदलाव किए गए हैं, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी बदलाव किए गए हैं, यानी पूरी तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, सीबीएसई के खुद सर्कुलर कह रहा है। सर्कुलर का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो एमसीक्यू पहले पूछे जाते थे वो एमसीक्यू अब पहले से ज़्यादा टफ पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पहले पूछे गए थे उसमें क्वेश्चन में जो पहले केस बेस्ड क्वेश्चन होता था उसको भी बदल दिया गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीएसई एक नए सिरे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप सभी के एग्ज़ाम लेने वाली। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल जैसे कहते हैं बेसिक से पढ़नी है। ये नहीं कि आप ऊपर से ऊपर एनसीईआरटी पढ़ लें और बाकी आप जो है सैंपल पेपर या कुछ और चीज़ें से पढ़ें, बट आपको करना क्या होगा, आपको एनसीईआरटी फुल फोकस के साथ पढ़नी होगी। और अगर आपने एनसीईआरटी सही से और ढंग से क्लियर कर ली तो आप सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न से पूछे आपसे हल करने की पूरी स्थिति में होंगे। तो यही अपडेट आप सभी के लिए था कि इस बार पूरी तरीके से पैटर्न बदलने वाला है। तो इसके लिए आपको अभी से तैयार होना होगा 2024 के एग्ज़ाम के लिए। अभी से अपनी कमर कस लीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।